नमस्कार दोस्तों, भारतीय सेना की शौर्य गाथाएं इतनी ज्यादा है कि उनके लिए कोई शब्द ही कम पड़ जाते हैं। भारतीय सेना के जवानों ने जहां अपने पराक्रम का लोहा मनवाया है, वहीं दूसरी ओर संकट में फंसे लोगों को भी बचाया है। इस प्रकार उन्होंने विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का बखूबी निर्वाह किया है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वीर बलिदानी संतोष बाबू जी की, जिन्होंने गालवान घाटी में चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ाए थे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। कर्नल संतोष बाबू ने चीनी सैनिकों के घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। कर्नल संतोष बाबू 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। साल 2020 में 15 जून को भारत चीन की सेनाएं आमने सामने आ गई थी। भारत चीन सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक बलिदान हो चुके थे, तो वहीं चीन के कई सैनिक मारे गए थे। हालांकि उसने यह बात स्वीकार नहीं की। 15 जून को गालवान घाटी में बलिदान हुए कर्नल संतोष बाबू ने बड़ी बहादुरी से चीनी सैनिकों का सामना किया था। वे ही भारतीय जवानों का नेतृत्व कर रहे थे। कर्नल ने चीनी सैनिकों को समझाने की कोशिश की कि जो टेंट उन्होंने लगाए हैं वो भारत की जमीन पर है, इसलिए उन्हें हटाया जाए। लेकिन चीनी सैनिकों ने शायद कर्नल के विनम्र स्वभाव को कमजोरी समझने की भूल कर दी। कर्नल ने अपनी टीम को टेंट उखाड़कर फेंक देने का आदेश दिया। इस पर चीनी सैनिक इतने नीचे स्तर पर गिर गए कि उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस हमले से कर्नल संतोष बाबू काफी घायल हो चुके थे, लेकिन वे पीछे नहीं हटे और चीनी सैनिकों के सामने डटे रहे। 15 जून को शाम करीबन 7 बजे कर्नल संतोष बाबू 35 जवानों के साथ उस कैंप तक गए जहां चीनी सेना डेरा डाले बैठे थे। कर्नल अपने सैनिकों के साथ जब कैंप के पास पहुंचे तो उन्हें महसूस हुआ कि चीनी सैनिकों के हाव भाव कुछ बदले से हैं। साथ ही वो चीनी सैनिक वहां मौजूद नहीं थे, जिनकी ड्यूटी अक्सर वहां होती है। कर्नल बाबू ने अभी तक इतना पूछा ही था कि आप लोगों ने टेंट यहां फिर से क्यों गाड़ दिए हैं। इतने में एक चीनी सैनिक सामने आया और उसने कर्नल संतोष बाबू को धक्का दिया। कर्नल बाबू को धक्का देने पर भारतीय सैनिक भड़क गए और भारतीय जवान चीनी सैनिकों पर टूट पड़े। रात करीबन 9 बजे कर्नल बाबू के सिर से एक बड़ा पत्थर टकराया और वे गालवान नदी में गिर गए। इसके बाद 45 मिनट तक भारत और चीनी सैनिकों के बीच टकराव चला। सैनिक ग्रुपों में लड़ रहे थे। इस दौरान कई जवान गालवान नदी में गिर गए। इसमें भारत के कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल थे। चीनियों ने हमले में कील लगे रॉड और डंडों का इस्तेमाल किया था। लद्दाख में गालवान घाटी में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान चीनी सैनिकों के साथ लोहा लेते हुए कर्नल बाबू शहीद हो गए और उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शहीद कर्नल संतोष बाबू की माता और पत्नी को महावीर चक्र सौंपा। महावीर चक्र भारत का सबसे बड़ा दूसरा वीरता पुरस्कार है। तो दोस्तों, ये कहानी है कर्नल संतोष बाबू की, जिन्होंने अपने अदम्य साहस से चीनी सैनिकों को धूल चटाया था और उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ऐसे वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।